डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नेचर ऑफ केमिकल बॉडी। तो वो 11th क्लास के सिलेबस में है और आपको पता है कि जेईई, नीट या चाहे आपकी कोई स्टेट की सीईटी हो, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस, दोनों सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सभी स्टूडेंट्स घर पे ही हैं, सब पेरेंट्स परेशान हैं, सब स्टूडेंट्स परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से कॉलेजेस नहीं ओपन हो रहे या कोई कोचिंग क्लास नहीं ओपन हो रहा है, तो सब डर में है, सब डरे हुए हैं। लेकिन जो डर गया वो मर गया। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन बिना डरे जो अपने टाइम का मैनेजमेंट करेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करता रहेगा, उसका ना गला सूखेगा ना उसको डर लगेगा और जीत उसी की होगी। तो चलो इस विचार के साथ हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग सीखने के पहले हमें एक कुछ कंसेप्ट्स है जो हमने 10th में पढ़ा है, 11th में भी कई सारे पार्ट्स बनाए हैं हमने 11th क्लास के भी। कौन से? IUPAC है, आइसोमेरिज्म है और पीरियडिक टेबल है। तो पीरियडिक टेबल में हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा ये चैप्टर शुरू करने से पहले कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे 10th में हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, तो उसका जो बेसिक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, डिटेल में देखना है। तो आपको पीरियडिक टेबल में जिस पार्ट में बना है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब आपको देखना है। और अगर देखना भी नहीं चाहते हैं तो यहाँ ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से सीखना है कि मैं उसको फिर रिपीट करूँगा यहाँ पे, लेकिन डिटेल में नहीं, लेकिन हम उसको देखेंगे क्योंकि उसके बिना हम आगे जा ही नहीं सकते इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आता है फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। अब नाम से ही पता चलता है, नाम का कुछ मीनिंग होता है ना, बोलते हैं ना नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में सब रखा होता है, मीनिंग होता है नाम का, हमारे नाम का एक मीनिंग है। कुछ पंछी भी आए हैं यहाँ पे, विंडो पे बैठे हैं, शायद देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ये बॉन्डिंग क्या है, किस तरह से बॉन्ड। उनको तो एक ही बॉन्ड पता है, एक ही बॉन्ड पता है उनको तो। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो आयन से बना होता है वो आयनिक बॉन्ड है, नाम से पता चलता है। अगर किसी को जानकारी नहीं है आयनिक बॉन्ड क्या है तो वो नाम से पता लगा सकता है, किसी भी कंसेप्ट का नाम से पता लगा सकते हैं हम कि आयनिक बॉन्ड क्या है। तो जो आयन से बना है वो आयनिक बॉन्ड है। अब थोड़ा आगे जाके सोचेंगे, अब जो आयन से बना है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयन किससे बना है ये देखेंगे, आयन मतलब क्या ये देखेंगे। तो व्हाट इज आयन और हाउ आयन विल फॉर्म, बताया मैं, चार्ज्ड स्पेसेस मतलब मॉलिक्यूल नहीं, तो एटम जो है वो न्यूट्रल है, जैसे कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 एटॉमिक नंबर 11 है वो सोडियम, उसमें 11 प्रोटॉन्स है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लॉस किया उसने, ऐसे ही लॉस नहीं किएगा, उसको भी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो देखेंगे आगे। तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो अब बचे कितने, 11 प्रोटॉन्स बचे और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब प्रोटॉन्स कैरीज द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज द निगेटिव चार्ज। सो पहले क्या था, 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव चार्ज जीरो, 11 प्लस 11 माइनस कैंसल्ड एंड गेट्स जीरो चार्ज, न्यूट्रल इन नेचर, सो एटम्स आर न्यूट्रल इन नेचर।
बाद में क्या हुआ, बाद में एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो अब क्या है, लॉस करने के बाद अब 10 माइनस 11 प्लस, मतलब 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्लस 10 माइनस, तो प्लस बड़ा 10 10 कैंसिल, 1 प्लस यहां पे बच गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इसी को कहेंगे आयन। आयन मतलब आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बिल्कुल उल्टा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तब क्या होगा, माइनस चार्ज डेवलप होगा उसके ऊपर, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो निगेटिव चार्ज उसके ऊपर डेवलप होगा, तो या तो लॉस करने से, अभी हमें ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और इलेक्ट्रॉन की गेन की वजह से, निगेटिव चार्ज गेन की वजह से वो निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, उसी को हम आयन कहेंगे। और दो अपोजिट चार्ज्ड आयन्स में अट्रैक्शन होता है, देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, जैसे हम में भी अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है ना, उसी तरह से उनमें भी, मतलब केमिस्ट्री में भी आयन्स में, कौन सी आयन्स में, अपोजिट चार्ज आयन्स में अट्रैक्शन होता है, जो लॉ हम फॉलो करते हैं, जो रूल्स हम में है, वही लॉ वही रूल्स उनमें भी है, मतलब केमिस्ट्री में भी है। कोई अगर बोलता होगा कि केमिस्ट्री ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, मतलब इसमें जो एटम्स है वो नॉन लिविंग है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो नॉन लिविंग है, लेकिन एटम्स घूमते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कौन से, गैस वाले एटम्स, या वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेंगे कुछ गेन करेंगे, किस लिए, स्टेबिलिटी। हम भी क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हम, मतलब सिर्फ मानव नहीं, कोई भी पशु है, कोई भी जानवर, कोई भी पंछी स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ करता है, उनका रोल अलग है, सभी का रोल अलग है, मतलब एक शेर स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, किसी का शिकार करेगा, किसी दूसरे पशु को मारेगा, उसको खाएगा, हो गया स्टेबल। हम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान से कुछ पैसा कमाते हैं, उससे कुछ खाना खरीदते हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी का रूल अलग है, उनकी स्टेबिलिटी का रूल अलग है, वैसी तरह से एटम की स्टेबिलिटी का भी रूल अलग है, लेकिन सब में कॉमन ये है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स में ये है कि सब स्टेबिलिटी के लिए ही है, सबका स्वभाव है कि स्टेबिलिटी को अचीव करने का, लेकिन स्टेबिलिटी अलग है हर एक की। अब हमारी स्टेबिलिटी, टीचर्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के जो भी क्यूरीज है उसको सॉल्व करते रहना और बच्चों का ज्ञान नॉलेज को बढ़ाना। किसी का होता है पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, वो कभी स्टेबल नहीं होंगे लेकिन कमाते रहते हैं, कमाए। तो हर एक, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर एक स्टेबिलिटी के लिए काम करता है यहां पे यूनिवर्स में। तो एटम भी स्टेबिलिटी के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन देगा या कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा आयन। अब आयन क्या होगा, आयन कंबाइन होगा, क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज। अब देखो, हम भी स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, पशु भी स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स भी स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, यहां पर भी हमें भी अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, उसी तरह से उनमें भी, नॉन लिविंग में भी अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, जैसे पॉजिटिव कैटायन निगेटिव एनायन, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो उससे बॉन्ड बनता है, उसी को कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड। अब ये समझ गए आपके आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे, आयनिक बॉन्ड मतलब द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द आयन्स, आयन्स में जो भी बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध कहते हैं। सो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द आयन्स।
आयन फॉर्मड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयन्स। किस तरह से, ध्यान से देखिए, सोडियम सॉलिड स्टेट में है, अब इसको कन्वर्ट करेगा वो बाद में देखेंगे। इसके लिए हमें बॉर्न हैबर साइकिल भी सीखना है, जो 11th के ही थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में है बॉर्न हैबर साइकिल, उसी बॉर्न हैबर साइकिल को हम यहाँ पे भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसी जगह इसी पर इसी चैप्टर इसी पीरियड में इसी वीडियो में देखेंगे। तो सोडियम जब गैसीय स्टेट में, ध्यान में रहना है आपके कि सॉलिड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं होता है, तो उस एटम को अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा गैस में, और गैसियस एटम ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो NA इज कन्वर्टेड टू NA प्लस गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, लॉस किया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से सोडियम गेंस द पॉजिटिव चार्ज सोडियम कैटाया। अब दूसरा देखेंगे Cl AB गैसियस स्टेट में है प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये Cl गैसियस स्टेट में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट इज कन्वर्टेड टू Cl माइनस गैसियस। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, इसने निगेटिव चार्ज डेवलप किया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हियर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस गेन्स द पॉजिटिव चार्ज, हियर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस गेन्स द निगेटिव चार्ज। अब ये जो NA प्लस और Cl माइनस है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि वो अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं, तो बनेगा क्या, बनेगा NaCl, NaCl बनेगा, इसी को कहेंगे आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इन बिटवीन द कैटायन एंड इन बिटवीन द एनायन, इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब हमें एक इस तरह का बॉन्ड तैयार होता है, ये बताता हूं मैं आपको एग्जाम्पल किस तरह का होगा। समझो आपका कोई दोस्त है, एक्स फ्रेंड है, समझो जेड फ्रेंड है, समझो एक दूसरा फ्रेंड है, एक वाई फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड को आपको मतलब उसको कुछ बिजनेस करना है, उस फ्रेंड को बिजनेस करना है, लेकिन उसके पास 50,000 ही है, 50,000, और उसको 1,00,000 का बिजनेस करना है। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको 50,000 दे रहे हैं, तो आपने दिया उसने लिया, तो कुछ देने की वजह से कुछ लेने की वजह से एक बॉन्ड तैयार हो रहा है, उसी को कहेंगे आयनिक बॉन्ड। देने से और लेने से जो भी बॉन्ड तैयार होगा उसी को कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ये ध्यान में रखने के लिए है, मीनिंग करेक्ट है, मीनिंग ये है कि द बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन द आयन्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड। अब नेचर में ये ध्यान में रखना है आपको कि नेचर में सोडियम गैसियस स्टेट में नहीं है, तो नेचर में सोडियम सॉलिड स्टेट में है, नेचर में Cl डिसोसिएट फॉर्म में नहीं है, Cl फ्री एटम नहीं होगा कभी भी, तो नेचर में Cl2 गैस फॉर्म है, तो ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, Cl2 गैस फॉर्म में है, हमने क्या किया, डायरेक्ट NA प्लस और Cl माइनस कंबाइन होता हुआ दिखाया और NaCl को तैयार किया, लो समझ गए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। लेकिन एक्चुअल में असल में सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है नेचर, और नेचर में और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, मतलब Cl2 गैस होता है, तो हमें यहां तक लाना पड़ेगा उसको, सॉलिड का लिक्विड बनाना पड़ेगा, लिक्विड का गैस बनाना पड़ेगा, गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, स्टेप्स है उसमें, स्टेप्स है, जैसे समंदर में NaCl बनेगा तो इतना आसानी से नहीं बनता वो, क्योंकि उसमें Na सॉलिड होता है और Cl2 गैस होता है, तो उसको डिसोसिएट सॉलिड का लिक्विड होना पड़ेगा, सोडियम को सोडियम का लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस गैसीय स्टेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तब बनेगा ये Na प्लस कैटायन। अब Cl2 गैस को डिसोसिएट करके Cl बनाना पड़ेगा,
सीएल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, फिर वो बनेगा सीएल माइनस, सीएल माइनस कंबाइन होगा एनए प्लस से और ये बनेगा एनएसीएल। इतने स्टेप्स में से उसको जाना पड़ता है, तभी जाके एनएसीएल बनता है और हम उसको खाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल साल्ट, रॉक साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो वो स्टेप्स देखने के लिए हमें बॉर्न हैबर साइकिल सीखना पड़ेगा। मतलब स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स के साथ NaCl बनेगा, तो हम बॉर्न हैबर साइकिल भी अपने आप सीख जाएंगे। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब हमने देखा कि डायरेक्टली Na प्लस कंबाइन विद Cl माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये देखा हमने। लेकिन वहां तक जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे स्टेप्स में से गुजरना होता है। जैसे हम देखते हैं ना, कई एक अस्पताल बड़ा होता है, चलो देखो ये कितने बड़े डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने बचपन से पढ़ाई की होती है, एक दिन में कोई नहीं बनता है बड़ा। तो बचपन से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह से NaCl डायरेक्टली नहीं मिलता है, NaCl के लिए कुछ स्टेप्स से होके फिर NaCl बनता है। तो किस तरह से NaCl बनेगा, तो स्टेप नंबर वन क्या होगा, यानी ये सॉलिड फॉर्म में है। अभी देखा हमने नेचर में सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इस NA सॉलिड फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, NA लिक्विड फॉर्म में, हीट देना पड़ेगा वहां पे। सॉलिड फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल्स आर कम क्लोजर टू ईच अदर। सॉलिड किसे कहेंगे, ये पेन जो दिख रहा है आपको, ये सॉलिड है, पानी पीते हैं लिक्विड है, यहां पे गैस है, नहीं दिख रहा है, गैस है लेकिन। तो सॉलिड गिविंग हीट एंड कन्वर्टेड टू लिक्विड, यहां पे हीट सप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा हीट को, तभी जाके सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम लिक्विड। कोई भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को जब हीट देना देंगे तभी वो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोडियम लिक्विड को हीट देना पड़ेगा, ये हीट का साइन है ट्रायंगल, तो सोडियम लिक्विड का हीट देना पड़ेगा, ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा सोडियम गैस। इसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, इसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। सॉलिड का लिक्विड हुआ, फ्यूज हुआ, मतलब लिक्विड हुआ, तो एंथैल्पी, वो फ्यूजन नहीं है कंबाइन होना, वो फ्यूजन का मीनिंग अलग, यहां पे ये फ्यूजन मतलब मेल्टिंग होना। नहीं समझ रहा है तो एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग को कंसिडर करो, उसको ध्यान में रखो। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड का क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी इसका मतलब होता है हीट, वो थर्मोडायनामिक चैप्टर में डिटेल में देखेंगे एंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है। तो लिक्विड स्टेट का गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है हमें, तो उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, इसको कहेंगे क्या, एंथैल्पी ऑफ, नहीं समझ रहा है एंथैल्पी तो हीट कंसिडर करो, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे वेपराइजेशन के लिए लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट लगेगी उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली इस तरह से लिखा होगा, मैंने इसको सिर्फ स्प्लिट करके लिखा, डायरेक्टली बुक्स में इस तरह से लिखा होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल, इट गिव्स सोडियम, एस मतलब सॉलिड, तो सोडियम सॉलिड गिव्स सोडियम गैस। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम गैस, तो सब पहले सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड देन लिक्विड इज कन्वर्टेड टू द गैस। तो ये सोडियम सॉलिड डायरेक्टली लिखा हमने, इन दोनों को कंबाइन करके लिखा हमने, सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम गैस। अब ये एनर्जी बोलेंगे डेल्टा सब्लिमेशन एनर्जी, मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन पता है ना हमें, कपूर जो होता है वो सब्लिमेट कंपाउंड्स है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट कंपाउंड, सब्लिमेट मतलब कपूर, जब जलाते हैं हम ये आरती वगैरह उतरना होता है, तो वो जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। तो सब्सटेंसेस विच आर कन्वर्टेड
डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट, वो लिक्विड बनेगा ही नहीं। उस प्रकार के कंपाउंड्स को, उस प्रकार के सब्सटेंस को हम कहेंगे सब्लिमेट कंपाउंड, सब्लिमेट सब्सटेंसेस, और उस प्रोसेस को कहेंगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस। ये ध्यान में रखना है, कंफ्यूज हो सकता है कि सोडियम सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन ऐसा कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस। इसका मतलब होता है सॉलिड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस। ये दो स्टेप को मिला के सब्लिड सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस, उसी को कहेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब जो लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी लग रही है वो एनर्जी, प्लस जो वेपर्स में कन्वर्ट करने को लग रही है वो एनर्जी, दोनों का एडिशन, उसी को कहेंगे हम सब्लिमेशन एनर्जी। और अगर सब्लिमेट कंपाउंड है तो एडिशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं सॉलिड टू वेपर्स। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थॉल, दैट आर द सब्लिमेट कंपाउंड, सॉलिड टू डायरेक्ट कन्वर्टेड टू द गैस। यहां पे सॉलिड टू गैस लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इस दोनों को मिलाया है उन एनर्जी को, ये एनर्जी वन कहेंगे, ये एनर्जी टू कहेंगे, तो ये एनर्जी मिला के बोलेंगे इसको सब्लिमेशन एनर्जी। तो सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कितने, वन मोल, तो एक मोल सोडियम सॉलिड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, एनर्जी लग रही है 108.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल, 108.5 किलो जूल, एक मोल के लिए, एक मोल सोडियम के लिए, एक मोल गैस में कन्वर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्स कितनी, 108.5 किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट इज द सब्लिमेशन। ध्यान से सुनना है क्योंकि हम इसके साथ सीख जाएंगे अपने आप बॉर्न-हैबर साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका एप्लीकेशन 12th क्लास के पी ब्लॉक में भी होगा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में भी होगा, और यहां पे भी होगा। तो इस जगह सीखा तो आप तीन चैप्टर में इस पॉइंट को कवर कर सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड और पी ब्लॉक, इन सब में बॉर्न-हैबर साइकिल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यही पे सीखो, बाकी दूसरे चैप्टर का अपने आप हो गया। तो सोडियम सॉलिड इज कन्वर्टेड टू सोडियम गैस, सब्लिमेशन एनर्जी, एनर्जी यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ रही है कितनी, 108.5 एक मोल के लिए, इसलिए लिखा हमने पर मोल। अब दूसरा क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप, एक स्टेप में तो हमने सॉलिड का गैस में कन्वर्ट किया, अब दूसरी स्टेप में हमें गैस का कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये प्लस में लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इटसेल्फ, अराउंड दैट न्यूक्लियस, सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द negatively charged electrons and the positively charged protons which is present at the center of nucleus, hota hai na, to electron mein negative charge hai, protons mein positive charge hai, electrons nucleus ke around ghum rahe hain, jaise hamara earth ya mangal ya budh ghumta hai na suraj ke ird gird, usi tarah se तो इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दैट अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, नॉट आयंस, अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उनमें अट्रैक्शन होता है। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं सोडियम गैस से जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, इसी इलेक्ट्रॉन में और उसके न्यूक्लियस में भी अट्रैक्शन है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, कई सारे 11 प्रोटॉन्स है, नहीं दिखाएंगे 11 प्रोटॉन्स, कंसीडर करो इसी एक ही प्रोटॉन को 11 प्रोटॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, इसमें दो है, इसमें एट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है सोडियम का, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा ना, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो अट्रैक्शन के अपोजिट में हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी,
क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि इस न्यूक्लियस के प्रोटॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ा है हमने डिटेल में पीरियडिक टेबल में। तो पीरियडिक टेबल में यह भी पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पीरियडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मतलब बढ़ती है कम होती है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट क्या होती है, ये भी देखा है। विच फैक्टर्स आर अफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर, जैसे क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जैसे एटॉमिक साइज होता है, तो व्हाट इफेक्ट अफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन एनर्जी, साइज का क्या इफेक्ट, ये सब देखा है हमने वहां पे। आपको डिटेल में देखना है तो पीरियडिक टेबल का उस पार्ट को ओपन कीजिए और उसको देख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द आयन। क्यों आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे इसको? क्योंकि एटम इज कन्वर्टेड टू आयन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, एटम न्यूट्रल स्टेट इज कन्वर्टेड टू आयन बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, सो दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कितनी लग रही है? यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है 495.2 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब एक मोल सोडियम गैस इज कन्वर्टेड टू Na प्लस बाय लॉस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द वन मोल आयनाइजेशन एनर्जी। सोडियम सॉलिड का हमने बनाया सोडियम गैस बाय प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी, सोडियम गैस इज कन्वर्टेड टू Na प्लस आयन्स बाय प्रोवाइडिंग दिस एनर्जी 495.2 किलो जूल पर मोल। अब जाएंगे थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या सीखना है हमें? थर्ड स्टेप में सीखना है Cl2 गैस फॉर्म में है नेचर में, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है Cl गैस। क्या फर्क है इन दोनों में? ये Cl2 गैस कैसे बना है? कोवेलेंट बॉन्ड से बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग है, तो इस शेयरिंग के अपोजिट एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। शेयरिंग तोड़ना है ना, किसी की पार्टनरशिप तोड़ना है नहीं तोड़ना है, लेकिन समझो अगर किसी की हमें पार्टनरशिप तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी जो भी शेयरिंग है उसके अपोजिट में हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब क्या है? हम नहीं करेंगे, कोई और करता है, कोई लोग करते हैं या फिल्मों में देखते हैं हम कि एक पार्टनर को जाके कुछ बताया, इस पार्टनर को जाके कुछ बताया, तो हम कर क्या रहे हैं? हम उनके शेयरिंग में उनकी जो भी एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी, उसके खिलाफ हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसको निगेटिव एनर्जी बोलेंगे। तो उनमें जो पॉजिटिव एनर्जी है बिजनेस करने की, दोनों ने शेयरिंग किया है, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो उस शेयरिंग के अपोजिट एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब निगेटिव एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। उसको जाके कुछ बताया, इसको जाके कुछ बताया, तो उसमें जो बॉन्ड था, जो शेयरिंग थी, वो कट जाएगी। किस वजह से? क्योंकि आपने निगेटिव एनर्जी सप्लाई किया उसको, निगेटिव एनर्जी प्रोवाइड कर किया आपने उसको, तो भी जाके उसका शेयरिंग कट हो। यहां पे भी क्या करना है? इन Cl2 गैस में जो शेयरिंग है, जो Cl2 गैस बना है Cl की शेयरिंग की वजह से, उस बॉन्ड को, उस शेयरिंग को हमें ब्रेक करना है। तो ये शेयरिंग को अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग तो अपने आप नहीं टूटेगी। तो वी शुड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ Cl एंड Cl बॉन्ड। द बॉन्ड बिटवीन Cl एंड Cl कौन सा वाला बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द Cl एटम वी शुड प्रोवाइड एनर्जी। तो ये क्या हुआ Cl2 गैस का? Cl गैस दोनों में कन्वर्ट हुआ, कट हुआ, तो उस प्रकार के एनर्जी को हम कहेंगे डिसोशिएशन एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? डिसोशिएशन, डिसोशिएट किया ना हमने,
किसको डिसोसिएट किया, सीएल और सीएल था ना, शेयरिंग करके तैयार हुए थे बेचारे, क्या किया उसको हमने, एनर्जी प्रोवाइड की और उसको कट किया। अब ये अलग हो गए, सीएल अलग, सीएल अलग, डिवोर्स हो गया इनका। तो सीएल अलग हुआ, सीएल अलग हुआ, किस वजह से डिवोर्स हुआ, एनर्जी प्रोवाइड करनी, नेगेटिव मतलब हम में नेगेटिव एनर्जी, इसमें पॉजिटिव एनर्जी। जब सप्लाई होती है एनर्जी तब पॉजिटिव बोलते हैं, जब एनर्जी रिलीज होगी तब नेगेटिव लिखेंगे। तो ये कितनी है डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी है 243 किलो जूल पर मोल। एक मोल सीएल2 को डिसोसिएट करने के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, 243 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें पता चल रहा है क्या बचा है, अब सीएल है ना, तो सीएल का सीएल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एनए प्लस तैयार है, रेडी है, किस लिए, कंबाइन होने के लिए, अब सीएल माइनस बनाना पड़ेगा ना। तो ये सीएल गैस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड टू सीएल माइनस इन गैसीय स्टेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यहां पे एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी कब लॉस होगी, जब ये स्टेबल बनेगा, सीएल कैरी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 मतलब 287, उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड फॉर स्टेबिलिटी इट रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, सो सीएल गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू सीएल माइनस, नाउ सीएल माइनस बिकम्स द स्टेबल। हाउ, बिकॉज इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, सीएल माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स 288, अब स्टेबल है ये, तो इसकी वजह से ये स्टेबल हुआ, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स द स्टेबल, इट इज कन्वर्टेड टू सीएल माइनस। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस होगी, ये भी हमने डिटेल में देखा था, किसमें, ये देखा था पीरियडिक टेबल चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फैक्टर्स अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड्स इन द पीरियडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो चैप्टर जाके देखें, ये सब आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे भी समझेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 348.3 किलो जूल पर मोल। एक मोल सीएल गैस का एक मोल सीएल माइनस गैस में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे एनर्जी सप्लाई नहीं करना है, यहां पे एनर्जी लॉस होगी, मतलब ये एनर्जी रिलीज करेगा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा सीएल में तब एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी है माइनस साइन, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ रहा है पॉजिटिव 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 नेगेटिव, मतलब यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है, नाउ लॉस ऑफ एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, यहाँ पे निगेटिव है। अब NA प्लस बन गया, ये NA प्लस जो गैसीय स्टेट में है, ये Cl माइनस बन गया, ये Cl माइनस जो गैसीय स्टेट में है, इट इज कन्वर्टेड टू NaCl सॉलिड, इसको कहेंगे लैटिस एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस होती है, इसको कहेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी यहाँ पे कितनी है, लैटिस एनर्जी है -758.7 किलो जूल पर मोल। अब ये लैटिस एनर्जी क्या है, इसको फिफ्थ स्टेप बोलेंगे, लैटिस एनर्जी क्या है, ये एक मोल कंपाउंड है, एक मोल NaCl है, वेन वन मोल कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयन्स, कौन सा भी, इट इज नॉट रिलेटेड ओनली विद द NaCl, कोई भी आयनिक कंपाउंड जब उसके आयन से तैयार होगा, आयन्स का कंबाइन होके, आयन्स में अट्रैक्शन होके,
जब एक मोल कंपाउंड तैयार होगा तब जो भी एनर्जी लॉस होगी लॉस ही होगी। क्यों लॉस होगी? क्योंकि एज कंपेयर टू द एनए प्लस एंड सीएल माइनस, एनए सीएल क्रिस्टल्स आर मोर स्टेबल। तो जब स्टेबिलिटी अचीव होगी, जो पिछली स्टेबिलिटी है उससे अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तब एनर्जी लॉस होती है। तो Na plus combines with the Cl minus and formation of NaCl, energy will lost, energy will released. That energy is called as the lattice energy. कितनी है इसमें? इसमें है 758.7 minus sign क्यों? क्योंकि यहाँ पे release हो रहे हैं। ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पे provide करना पड़ रहा है, यहाँ पे provide करना पड़ रहा है, यहाँ पे provide करना पड़ रहा है, यहाँ पे release हो रही है, यहाँ पे release हो रही है। ये बॉर्न हैबर साइकल्स के 5 स्टेप्स है। तो क्या स्टेप्स है? सब्लिमेशन एनर्जी, अब इनका सबका एडिशन करना पड़ेगा हमें, सबका मिला के घटा के जो भी एनर्जी बचती है उसको बोलेंगे हीट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। किसका फॉर्मेशन? NaCl का फॉर्मेशन। तो सब्लिमेशन एनर्जी आप समझ गए, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी जो लगेगी वो सब्लिमेशन एनर्जी है। गैस इज कन्वर्टेड टू द केटायन, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। दिस मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड और मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएट्स सेपरेट्स इनटू देयर एटम्स कॉल्ड एज डिसोसिएशन एनर्जी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन called as electron affinity or electron gain enthalpy, and formation of one mole compound formed from its ions, one mole compound formed from its ions, whatever the energy changes, whatever the energy released, that is called as the lattice energy। इसे कहेंगे हम lattice energy। सभी energy सीखा हमने। अब बॉर्न हैबर बताते हैं कि डेल्टा एफ एच मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस NaCl तैयार होते समय कौन सा हीट, मतलब हीट का जो भी चेंजेस होगा उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू, सबको मिलाएंगे घटाएंगे, तो डेल्टा एफ एच इज इक्वल टू सब्लिमेशन, शॉर्ट में लिखूंगा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ये है फॉर्मूला, थर्मोडायनामिक चैप्टर में भी आपको सीखने को मिलेगा ये, कि ये फॉर्मूला है हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब NaCl फॉर्म होगा तब कौन सी एनर्जी या कौन से किस प्रकार के से हीट चेंज होगी, इसके लिए हमें ये बॉर्न हैबर साइकिल सीखना होता है। तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। अब इसी एग्जांपल में से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे सब्लिमेशन एनर्जी 108.5 किलो जूल पर मोल, सब किलो जूल पर मोल है इसलिए हम अब यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, बाद में जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्ट यूनिट लिखेंगे। तो 108.5 लिखा हमने, ये सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस ये आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है 495.2 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब Cl2 थे ना, Cl2 थे तो Cl2 को कन्वर्ट किया हमने, सेपरेट किया Cl में। तो एक Cl के लिए कितनी एनर्जी, ये दो Cl के लिए है, दो Cl को सेपरेट करने के लिए एनर्जी है, तो इसके लिए कितनी एनर्जी, तो इसको 1/2 करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, यहाँ पे अगर CH4 है तो ये कितने हैं, 4 एटम्स को सेपरेट करना पड़ता है, तो ये कन्वर्ट हुआ C+4H, तो जो भी एनर्जी है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है इसलिए उसको 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, किसको, 243 को, तो ये 1/2 243। ये समझ में आ रहा है आपको 1/2 क्यों, क्योंकि इसको हटाएंगे, क्योंकि 2 Cl है ना, ये 2 Cl
तो एक सीएल लेना है ना सिर्फ हमें, तो एक सीएल के लिए हमें 1/2, तीन कन्वर्ट होता तो 1/3 करते, फोर कन्वर्ट होता, फोर आइटम सेपरेट होते तो 1/4 करना पड़ता। तो टू है इसलिए टू को दो को सेपरेट किया इसलिए लिखा है 1/2, 243। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस माइनस, प्लस माइनस यार लिखेंगे यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है 348.3 इतनी है। फिर प्लस माइनस ये लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी कितनी है 758.7 किलो जूल पर मोल। ये प्लस माइनस बनेगा माइनस, ये प्लस माइनस बनेगा माइनस, मिला के घटा के पूरा ये कैलकुलेशन करके, जगह नहीं है आप खुद कर लीजिए कैलकुलेशन। तो इसको मिला के घटा के आंसर आता है कितना, आंसर आता है -381.8 किलो जूल पर मोल, इतना आंसर आएगा। लैटे इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है कितना 381.8, मतलब इतनी हीट चेंज होगी जब एक मोल NaCl बनेगा, और एक मोल NaCl के लिए उसको जाना पड़ेगा इन पांच स्टेप्स में से। तो जब ये पांच स्टेप्स होंगे तभी एक मोल NaCl बनेगा, या कितना भी NaCl बनेगा, सभी NaCl बनाने के लिए इतने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, और इन सभी को मिलाया घटाया तो वो हुआ क्या, घटाया इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी है, तो मिला के घटा के इसको जो भी हीट चेंज होती है इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो दिस इज अबाउट द बॉर्न हैबर साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बॉर्न हैबर साइकिल। तो क्या क्या सीखा हमने, हमने सीखा आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है, व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड सीखा हमने, द बॉन्ड बिटवीन द टू आयन्स, टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। व्हाई दे फॉर्म, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स एंड बॉन्ड फॉर्मड, दैट इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। सो ऐसे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको इस स्टेप्स में से जाना पड़ेगा। तो सब्लिमेशन एनर्जी है, एडहेशन एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लैटिस एनर्जी है, इनको सबको मिलाया घटाया तो ये बना बॉर्न हैबर साइकिल, जो बताता है हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होती है, लैटिस एनर्जी निगेटिव होती है। और एक बात, अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आता है इन सबको मिला के घटा के, अगर निगेटिव साइन आता है, निगेटिव साइन कब आएगा, जब इन दोनों की वैल्यू इनसे बड़ी होगी, पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन की वैल्यू ज्यादा होगी तभी यहाँ पे निगेटिव साइन आता है आएगा। तो जब निगेटिव साइन आएगा तभी ये कंपाउंड स्टेबल होगा, नहीं तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, नहीं तैयार होगा। तो NaCl इज फॉर्म्ड बिकॉज इट इज द स्टेबल वन, व्हाई, बिकॉज हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 381.8 किलो जूल पर मोल। एक मोल NaCl जब तैयार होगा तब इतना हीट चेंज होगा, कितना 381.8 किलो जूल, इतनी हीट है चेंज होगी। तो आई होप आज हमने आयनिक बॉन्ड अच्छी तरह से पढ़ा, उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है, बॉन्ड हैबर साइकिल, आयनाइजेशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलेंगे, लैटिस एनर्जी एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये सब हमने पढ़ा। आई होप आपने पीरियड को इंजॉय किया, आपको सब ठीक तरह से समझ में आया। इसको पढ़ना है, नोट्स निकालना है, इसके लिखना है, या जो स्क्रीन पे हमने दिखाया है, स्क्रीन पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं इसको दोबारा से टाइप करके, तो उसका स्क्रीन शॉट लेके आप रख सकते हैं अपने मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, और उसका यूज एज अ नोट्स कर सकते हैं। तो आज तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, और हमारे साथ पढ़ते रहें। तब तक के लिए गुड डे।